Hello everyone. In this problem, a 1 cm object is placed perpendicular to the principal axis of a convex mirror of focal length 7.5 cm. Find its distance from the mirror if the image formed is 0.6 cm in size. So this question is quite simple कि एक कॉन्वेक्स मिरर दिया है, कहीं पे उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे 1 cm का ऑब्जेक्ट रखा है और जो इमेज बन रही है वो छोटी बन रही है। तो हमें पता है कि एच ओ जो दिया है वो 1 cm दिया है और जो एच आई है वो 0.6 cm है। ठीक है, अभी हम मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन हो जाएगा एच आई अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। इसका एक बेसिक डायग्राम सबसे पहले देखते हैं कि एक कॉन्वेक्स मिरर है और ये उसके प्रिंसिपल एक्सिस है। कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि दिस इज 1 cm, यहाँ से रेज जाती है ऐसे, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होती है और पीछे जाके मिलेगी फोकस पे, और जो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो गई वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होंगी और ये पीछे जाके मिल जाएंगी यहाँ पे और ये बन जाएगी इमेज। ठीक है, क्लियरली जो इमेज है वो इरेक्ट है, तो दैट मीन्स जो एच आई का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा और जो एच नॉट का साइन होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू 0.6/1, दैट मीन्स 6/10 और 3/5। क्लियर, फोकल जो लेंथ दिया है वो दिया है 7.5 और कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये पॉजिटिव ही रहता है। तो अगर हम मिरर फॉर्मूला लगाएं तो 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो हमें बेसिकली u निकालना है। तो जो v की वैल्यू यहाँ से आई, दैट इज v इज इक्वल टू 3/5u इन विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 1/-3u 5 ऊपर चला जाएगा, +1/u इज इक्वल टू 1/7.5, तो 75 × 10। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा, 1/u कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा 5/-5/3 + 1 इज इक्वल टू 5 × 10 = 15। 1/u - 5 + 3/3 इज इक्वल टू 2/15, तो 1/u × -2/3 इज इक्वल टू 2/15, सो 2 कैंसल, 3 5, सो u आया -5 cm। -5 सिग्निफाइज कि ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आया मिरर से दैट इज 5 सेंटीमीटर।